आई एम श्योर अगर आप कार में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि आजकल जितनी भी नई ब्रांड्स हैं या नए जो कार्स आ रहे हैं उसमें थ्री सिलेंडर इंजन्स का चलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले ऐसे हुआ करता था कि एकदम एंट्री लेवल जो कार्स हैं, ऑल्टो हो गई उसमें थ्री सिलेंडर इंजन आया, या फिर और भी जो एंट्री लेवल कार्स है इऑन हो गई ह्यूंडई की, उसमें एक थ्री सिलेंडर इंजन आया, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता था, छोटा इंजन होता था जो कि माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको अच्छी खासी देता था। बट अब थ्री सिलेंडर इंजन्स हमें हर सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। आप चाहे एकदम एंट्री लेवल की बात कर लीजिए या फिर इनफैक्ट BMW के पास में भी जाएंगे तो उनके पास में भी थ्री सिलेंडर इंजन्स आज की तारीख में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है थ्री सिलेंडर इंजन्स का चलन और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ICN Explains के इस वीडियो में। तो आई एम श्योर अगर आपने ICN Explains के हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि एक इंजन की वर्किंग क्या होती है, कैसे काम करता है एक इंजन, जो मॉडर्न इंजन्स हैं सारे के सारे फोर स्ट्रोक प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे पूरा काम होता है। अगर आपको नहीं पता है, आपको डिटेल में जानना है, तो आप हमारे पुराने जो वीडियोज़ हैं पहले पेट्रोल वर्सेज डीजल वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर नॉर्मल इंजन वर्सेज टर्बोचार्ज इंजन वाला जो हमारा वीडियो है वो देख सकते हैं। आपको डेप्थ में आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंजन कैसे काम करता है। बट अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो एक इंजन जो होता है वो फोर स्ट्रोक प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑफ कोर्स तो चार स्ट्रोक होते हैं, एक जो इंजन जो होता है उसमें सिलेंडर्स होते हैं और उस सिलेंडर में पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ घूमता है, तो वो जो ऊपर से नीचे जाना है नीचे से ऊपर जाना है उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। पहले स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा अगर आप पेट्रोल इंजन की बात करें, फिर जो दूसरा है उसके अंदर आप उसे कंप्रेस करेंगे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, थर्ड जो स्ट्रोक है उसके अंदर आप वो जो कंप्रेस्ड एयर है उसे स्पार्क प्लग की मदद से उसमें आग लगाओगे, कंबशन होगा, तो पावर स्ट्रोक भी हम उसे बोलते हैं। तो वो जो पावर उससे जनरेट होगी, कंबशन से जो पावर जनरेट होगी उससे आपका पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा तेजी से और वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा और वही जो ताकत है वही जो पावर है वो गाड़ी को चलाने के काम आती है। फोर्थ स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर आपका ये जो जला हुआ मिश्रण है मतलब जो गैसेज हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप इंजन देखेंगे, चाहे आप थ्री सिलेंडर देखो, फोर सिलेंडर देखो, सिक्स देखो, एट देखो, टेन देखो या ट्वेल्व देखो, कोई भी कॉन्फिगरेशन का हो, उन सभी में हर एक सिलेंडर में ये जो फोर स्ट्रोक प्रोसेस है वो इंडिविजुअली होती है, मतलब उन सब में फायरिंग होगी। फायरिंग क्या है, फायरिंग मतलब जब कंबशन हो रहा है, स्पार्क प्लग जब आपकी आग लगा रहा है उस मिश्रण में एयर और फ्यूल के मिक्सचर में, तो वो जो आग लगने की प्रक्रिया है उसे आप फायरिंग भी बोल सकते हो और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है जिससे कि लगातार आपको पावर मिलती रहे। अब अगर आप एक फोर सिलेंडर इंजन की बात करोगे तो फोर सिलेंडर इंजन में किस सिलेंडर में आग लगेगी पहले, फिर किसी और सिलेंडर में आग लगेगी, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इंटरवल तो रखना ही पड़ेगा, सब में एक साथ नहीं लग सकती है वरना इंजन को वेयर एंड टेयर होगा, तो उसके लिए एक फायरिंग इंटरवल डिसाइड होता है। अब वो डिसाइड या कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सिंपल है, 720 डिवाइडेड बाय जितने भी सिलेंडर्स हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर फोर सिलेंडर है तो 720 डिवाइडेड बाय फोर करेंगे तो 180 डिग्री निकलेगा। कहने का मतलब जब क्रैंक 180 डिग्री घूम जाएगी तो किसी एक सिलेंडर में आग लग जानी चाहिए, फायरिंग हो जानी चाहिए, फिर वापस 180 डिग्री घूमेगी तो फिर किसी दूसरे सिलेंडर में आग लग जानी चाहिए और जब तक ये लगातार होता रहेगा तब तक आपको पावर मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार आग लगानी होती है, लगातार वो फायरिंग होती रहनी चाहिए। तो फायरिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे, बट अगर आप एक थ्री सिलेंडर इंजन की बात करें तो 720 डिवाइड बाय अगर आप थ्री उसे करेंगे तो 240 डिग्रीज का आपको वो जो एंगल है वो निकल के आएगा, मतलब जब 240 डिग्रीज क्रैंकशाफ्ट घूम जाएगी तो फायरिंग होगी, फिर वापस से 240 डिग्रीज के बाद में किसी दूसरे सिलेंडर में फायरिंग होगी, तो ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आप कैसे डिसाइड करते हैं एक थ्री सिलेंडर इंजन में, तो डिटेल में जैसा कि मैंने कहा कि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पर मोटे मोटे तौर पर दो तरीके से काम होता है, पहले में आग लग जाती है, फिर एक दूसरे में लग जाती है, फिर तीसरे में लग जाती है, तो फायरिंग ऑर्डर हो गया 1 2 3। और कई कई कंपनीज जो हैं वो 1 3 2 भी फॉलो करती है, पहले सिलेंडर में आग लगेगी, फिर तीसरे सिलेंडर में आग लगेगी, फिर बीच वाले सिलेंडर में आग लगेगी, तो इस तरीके से वो लोग फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो हर कंपनी का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, मेथड अलग होता है, किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे, तो उस तरीके से ये लोग फायरिंग ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। अब आते हैं फायदे और नुकसान पे, तो सबसे पहले नुकसान से शुरू करते हैं। नुकसान क्या होता है एक थ्री सिलेंडर इंजन का, अगर एक थ्री सिलेंडर इंजन है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है तो उसमें
क्योंकि सिलेंडर्स कम है इसका मतलब पावर कम होगी, जितने ज्यादा सिलेंडर्स होते हैं उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उतना ज्यादा कंबशन होगा, उतना ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर का बर्न हम करेंगे और उतनी ही ज्यादा हम पावर क्रिएट करेंगे। तो अगर सिलेंडर्स ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं, 4 की जगह 3 हैं या 6 की जगह 4 हैं, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम होगी। इसलिए 3 सिलेंडर इंजन कि आम तौर पर पावर जो मिलती है वो कम मिलती है। अगर उसको पावर को बढ़ाना है तो लोग टर्बो चार्जर्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे पावर बढ़ाते हैं, बट अगर आप एक 4 सिलेंडर इंजन में टर्बो चार्जर लगाएंगे तो वो हमेशा ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि नेचुरली 3 सिलेंडर इंजन कम पावरफुल होता है एक 4 सिलेंडर इंजन से। दूसरी चीज, जो फायरिंग इंटरवल है वो एक 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ा सा डिलेड होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि अगर एक 4 सिलेंडर इंजन होगा तो उसका फायरिंग इंटरवल होगा लगभग 180 डिग्रीज का, मतलब एक सिलेंडर में फायरिंग होने में और जो दूसरे सिलेंडर में फायरिंग होने में जो डिफरेंस रहेगा वो 180 डिग्रीज का रहेगा, तो वो 3 सिलेंडर इंजन में कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब अगर फायरिंग इंटरवल ज़्यादा है, डिलेड है, 240 डिग्रीज है, तो इसका मतलब आपको पावर डिलीवरी उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, एक 3 सिलेंडर इंजन में बैलेंसिंग की हमेशा दिक्कत होती है। अब बैलेंसिंग पे हम एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, पर अगर मैं एकदम साधारण भाषा में आपको बताऊं, सरल भाषा में बताऊं, तो बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर एक इंजन है उसमें क्रैंकशाफ्ट से सारे के सारे सिलेंडर्स जुड़े होते हैं, सारी की सारी जो आपकी पिस्टन्स है वो जुड़ी होती है, तो अगर जितने कम सिलेंडर होंगे बैलेंसिंग उसकी उतनी ही कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर 4 सिलेंडर होंगे तो वो ज़्यादा बैलेंस होगा, 6 होंगे तो और ज़्यादा बैलेंस होगा, 8 होगा तो और ज़्यादा बैलेंस होगा। कॉन्फिग्रेशन किस तरीके से रख रहे हैं, वी रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, उस पर भी फर्क पड़ता है, बट मोटे मोटे तौर पर कितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतनी ज़्यादा बैलेंसिंग आपकी अच्छी होगी और जितने कम सिलेंडर होंगे उतनी कम बैलेंसिंग होगी। जैसे कि 3 सिलेंडर इंजन है, क्रैंकशाफ्ट पे 3 सिलेंडर्स हैं, पहले आपके सिलेंडर में फायरिंग हुई तो वो चोट पड़ती है आपके क्रैंकशाफ्ट पे, मतलब खटाक से, तो वहाँ पे वो हल्का सा आप बोल सकते हो कि बैलेंसिंग इम्बैलेंस थोड़ा सा होगा। फिर थर्ड पे होगा तो वहाँ से थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, हालांकि इसको बैलेंस आउट करने के लिए बैलेंस शाफ्ट्स कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, या फिर कई कंपनीज जो होती हैं वो क्रैंकशाफ्ट जो है उसको ही ज़्यादा बेटर मटेरियल का बनाती हैं, कई कंपनीज करती हैं, बट उसके बाद भी अगर एक 4 सिलेंडर से कंपेयर करें तो इनहेरेंटली एक 3 सिलेंडर इंजन में बैलेंसिंग की थोड़ी दिक्कत होगी। जितना भी आप बैलेंस कर लो पर एक 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले थोड़ी कम ही होगी। मॉडर्न इंजन डेफिनेटली BMW जो यूज़ कर रही है काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग वो लोग अचीव कर पाए हैं अलग अलग टेक्निक से, बट फिर भी आम तौर पर एक रेगुलर कार की अगर आप बात करोगे तो उसमें बैलेंसिंग की हमेशा शिकायत होगी ही होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशंस आपको हमेशा ज़्यादा मिलेंगे उसी बैलेंसिंग की वजह से, थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है। तो हाँ, इंसुलेशन बेटर कर देती है कंपनीज, आपको अंदर ज़्यादा फील नहीं होता है, ज़्यादा बेटर मटेरियल इस्तेमाल करती है अंदर भी इंटीरियर में भी, तो वो बहुत सारी टेक्निक से कम कर दिया जाता है। पर उसके बाद भी अगर आप एक 4 सिलेंडर से कंपेयर करो, मान लो कि एक 4 सिलेंडर इंजन और 3 सिलेंडर इंजन है, तो 4 सिलेंडर इंजन आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा बैलेंस लगेगा, कम उसमें वाइब्रेशंस होंगी, 6 सिलेंडर होगा तो और कम वाइब्रेशंस होंगे, तो इस तरीके से बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वाइब्रेशंस पे। अब आते हैं मुख्य फायदों पर कि क्यों एक 3 सिलेंडर इंजन आज की तारीख में प्रेफर किया जाता है सभी मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो सबसे पहले तो जितने कम सिलेंडर होंगे उतना कम वेट इंजन का होगा और ओवरऑल जो वेट सेविंग करनी है एक ब्रांड को उसमें बहुत मदद मिलती है अगर आप नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो हैं वो अगर कम रखेंगे। जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे ऑटोमेटिकली वो वेट में थोड़ा ऐड ऑन करता है एक गाड़ी के। हाँ, आप अलग टेक्निक से भी कर सकते हैं चीज़ें, बट फिर भी अगर एक छोटा इंजन है तो वो इंजन का वेट भी कम हो गया तो वो उसमें थोड़ी मदद करता है, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी जो है वो बढ़ जाती है, माइलेज जो है आपकी वो बढ़ जाती है। दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से इनफैक्ट जो सारे एक्सपेंसिव गाड़ी बन रही है उसमें भी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि टर्बो चार्जिंग टेक्निक से आप एक स्मॉल कैपेसिटी इंजन में वो अचीव कर सकते हैं कि छोटी हो गई साइज, वेट भी कम हो गया और टर्बो चार्जर की मदद से आपने परफॉर्मेंस भी साथ में ऑफर कर दी। तो छोटा हो गया इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो भी बेहतर हो गई और जिनको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो भी आप निकाल के दे सकते हो। तो एक लीटर का मतलब 1000 cc का इंजन भी जो है वो टर्बो चार्जर के साथ में एक 1500 cc या 1800 cc इंजन से भी ज़्यादा बेहतर पावर निकाल सकता है। हमने देखा है पहले भी, आप जितने भी टर्बो चार्ज इंजन को देखोगे तो पावर बहुत ज़्यादा होती है, टॉर्क जो होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो छोटी कैपेसिटी में ही आप ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर कर सकते हो। तो एक ढंग का बैलेंस हो गया कि अगर आप तमीज़ से चलाएंगे
किसी भी टर्बोचार्ज इंजन को अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो सर्टेन आरपीएम तक अगर आप उसे ढंग से चलाएंगे, तमीज से चलाएंगे, तो आप अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। बट यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है तमीज से चलाना। अगर आप फ्लोर करते रहेंगे, थ्रॉटल करते रहेंगे, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी की वाट लग जाएगी। इसलिए आप उसे थोड़ा आराम से चलाएं, तमीज से चलाएंगे, तो आप फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल पाएंगे। और आपको जब परफॉर्मेंस चाहिए, आप हाईवे पे हैं, परफॉर्मेंस एक्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसलिए आपने एक टर्म सुनी होगी, जितने भी रिव्यूअर्स हैं, मैं भी जब गाड़ियां रिव्यू करता हूं तो उसमें एक टर्म का इस्तेमाल होता है कि टर्बो किक इन हुआ 1800 आरपीएम पे या 2000 आरपीएम पे। तो उसका मतलब क्या है कि 1800 और 2000 आरपीएम के नीचे तक उतनी ज्यादा आपको पावर नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका फोकस जो है वो है कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको बेहतर मिले। इसलिए जब टर्बो किक इन होता है, वो स्पूल होना शुरू होता है और ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो बर्न होता है, तो उससे पावर ज्यादा जनरेट होती है। तो 2000 आरपीएम पे अगर किक इन हो रहा है तो 2000 पे टर्बो अपना काम करना शुरू करता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरर हैं आज की तारीख में टर्बो चार्ज्ड इंजन की तरफ जा रहे हैं, इवन पेट्रोल में भी। डीजल में तो हमेशा से होता है, बहुत लंबा टाइम हो गया हम टर्बो डीजल इंजन देखते हैं, बट पेट्रोल में भी अब हमको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। तो आई होप मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन था या आपके कई सवाल आ रहे थे कि थ्री सिलेंडर इंजन की वर्किंग कैसे होती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं आपको बताने में सफल रहा हूँगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल फिर भी रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।